हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे उसका नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अब हमने इस चैप्टर में जिस पोर्शन को स्टार्ट करना है वो है आपका पोर्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, ठीक है। इस पोर्शन को हमने पढ़ना है। इस पोर्शन को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें हैं उनका आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी आपके सामने एक बॉल है वो आपको नज़र आ रही है, उसके एक धागे के साथ उसको बांधा, जिसके धागे का ये वाला सिरा इसको एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ बांध दिया गया है, जबकि दूसरे सिरे पर आपको बॉल नज़र आ रही है। ये बॉल जो है इसको पहले ये बिल्कुल स्टिल पोजीशन पे थी, ये जो आपको रेड डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये बिल्कुल स्टिल पोजीशन पे थी। मैंने क्या कर दिया कि मैंने इसको हिला दिया यहाँ से, और इसको हिलाकर मैं यहाँ इस पॉइंट तक ले जहाँ तक ये जा रही है, और यहाँ पर ला कर मैंने इसको छोड़ दिया। जब मैंने इस बॉल को छोड़ा तो आप देख सकते हैं कि इसकी मूवमेंट शुरू हुई है, जो यहाँ से यहाँ पर गई है, लेकिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रुकने के बजाय वो थोड़ा सा और आगे चली जाती है, तकरीबन यहाँ तक। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ तक आती है, इसकी मोशन यहीं पर नहीं रुकी, वो आगे तक चलेगी बिल्कुल यहाँ पर। यहाँ पर जाने के बाद वो वापस आ रही है, अब फिर वो अपनी सेंटर वाली पोजीशन पे नहीं रुकती बल्कि आगे जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, जहाँ पे ये पहले थी, जहाँ पे मैंने इसको ला के छोड़ा था। मैंने इसको पोजीशन वन फर्स्ट कर लिया, और जहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस कवर करके जा रही है इसको मैंने पोजीशन टू बोल दिया, जबकि ये जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, मैं इसको अगर बोल दूँ तो मैं इसकी रेस्ट पोजीशन मान लूँ, ये वन से स्टार्ट होती है और टू पर जाती है, टू से वापस वन पर आ जाती है। इसका पैटर्न कुछ यूँ है, यूँ और फिर यूँ, या मैं यहाँ पर लगा देती हूँ और वापस यहाँ पर आ रही है। ये रेस्ट पोजीशन है, एक एक्सट्रीम पोजीशन में, जैसे मैंने रेड लाइन को इसकी रेस्ट पोजीशन बोला, मैं इसको इसकी एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम पोजीशन बोल देती हूँ। ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन वन है और ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन टू है, जिसको मैंने टू से मार्क किया। एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाकर वापस एक्सट्रीम पोजीशन पहली वाली पे आना, इस मोशन को, ऐसी मोशन को इसको बोलते हैं, ये जो साइकिल है उसको बोलते हैं, उसने एक वन वाइब्रेशन ली है। पहला एक साइकिल कवर किया, उसने वन वाइब्रेशन ली है। ये जो बॉल है ये ऐसे ही मूव करती रहेगी, तब तक मूव करेगी जब तक मैं इसको अपने हाथ से रोकना दूँ। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब क्या हो, हवा के अंदर जो फ्रिक्शन है, दो सूरतें हैं इसको रोक सकते हैं, या तो मैं खुद इसको हाथ से पकड़ के रोक दूँ, या फिर जो हवा में फ्रिक्शन है उससे ऐसा ऐसा ये खुद बहुत रुक जाए और अपनी वापस से रेस्ट पोजीशन पे, अपनी मेन पोजीशन पे आ जाए। लेकिन हम एक कंडीशन फर्स कर लेते हैं कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, यानी कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है और कोई दूसरी फोर्स भी नहीं है जिसको रोकते, तो ये इस सूरत में क्या करेगी, ये अपनी मोशन को जारी रखेगी। ये वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन लेगी, दो लेगी, तीन लेगी, चार लेगी, और उसकी वाइब्रेशन चलती रहेगी, जो कॉन्टिन्यूस एक पीरियोडिक उसकी वाइब्रेशन चलेगी। ये टू एंड फ्रो मूवमेंट जो इसकी चलती रहेगी अराउंड इट्स मेन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड द रेस्ट पोजीशन। इसको हमने रेस्ट पोजीशन बोला था, इसको मेन पोजीशन भी बोल सकते हैं, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं। टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होते हैं उसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। सिंगल उसकी मूवमेंट जो एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर वापस फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे आना था, उसको वाइब्रेशन बोलते थे। और रिपीटेड वाइब्रेशंस अराउंड इट्स मेन पोजीशन और इट्स रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, इसको पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं। अब जी आपके पास ये एक आपको नज़र आ रहा है, एक मैस है, रेड कलर का बॉक्स है, आप इसको ईंट बोलते हो। इसको हमने एक स्प्रिंग के साथ जोड़ा हुआ है, जिसका ऊपर वाला सिरा जो एक फिक्स बोर्ड के साथ बंधा हुआ है, और दूसरे सिरे पे हमने बॉक्स बंधा हुआ है या ईंट बांध दिया, या एक मैस है जिसको हमने यहाँ पर लगा दिया। उस मैस के वजन की वजह से, जहाँ पे मैंने आपको ये येलो लाइन लगाई है, पहले स्प्रिंग की पोजीशन यहाँ पे थी, इस मैस के लगने की वजह से स्प्रिंग पे क्या है, फोर्स लगी, जिसकी वजह से ये मैस जो है ना नीचे जा रहा है, और फोर्स ये मैस वजन की वजह से जो है ना वो नीचे जा रहा है। लेकिन जो इस स्प्रिंग की इलास्टिक फोर्स है, इलास्टिक फोर्स या आप इसको इसकी रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, ये वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, रीस्टोरिंग स्पेस थोड़ी सी लगी थी, या हम इसको इसकी इलास्टिक फोर्स भी कह सकते हैं, या हम इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं। जो स्प्रिंग की जो फोर्स है, उस इलास्टिक फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मैस वापस ऊपर आता है, ठीक है जी, ये वापस ऊपर आ गया। अब मैं इसको पोजीशन वन ही बोल देती हूँ, ये आपकी पोजीशन टू है, जहाँ तक ये नीचे आता था वापस पोजीशन वन पे जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इसकी पोजीशन वन से पोजीशन टू तक और टू से वापस वन की तरफ आना, ये इसकी एक साइकिल, या इसको हम इसकी एक वाइब्रेशन बोलेंगे। और अगर मैं इस कंडीशन को भी आइडियल कंडीशन कंसीडर कर लूँ कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके अंदर, कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आइडियल कंडीशन है, बस यहाँ पे मैस है और स्प्रिंग है और उसकी मूवमेंट है और कंटिन्यूस जो वाइब्रेशन होती रहेंगी उसको हम बोल देंगे, ये इसकी क्या हो जाएगी जी, इसकी वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। इसकी एक्सट्रीम पोजिशन को मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ, कुछ यहाँ पर आता है जी और यहाँ पर कुछ इस तरफ से आ रहा है। ये जो डिस्टेंस है मेन या अपनी रिस्ट पोजीशन से, जितना डिस्टेंस ये इस तरफ कवर करता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इट कवर्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉट से। अब इसी पिक्चर के अंदर अगर मैं इसका डिस्टेंस पॉइंट तक लेती इतना सा, तो यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करेगा
वो कोई कितना भी डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, या इस पूरे इसके जो जितना ये एम्पलीट्यूड है वो कवर कर रहा है, इस एम्पलीट्यूड के दरमियान मैं कहीं भी किसी एक भी पॉइंट पर, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, कहीं पर भी मैं अगर इसका डिस्टेंस मेजर करती हूँ उसकी रेस्ट पोजिशन से, तो उस डिस्टेंस को मैं नाम, और डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, खाली एक्स से। वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो बॉडी अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक कवर करती है एम्पलीट्यूड कहलाती है, और वो डिस्टेंस जो किसी भी पॉइंट पर हो सकते हैं, एनी डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हमने बात की थी कि दो एक्सट्रीम पोजीशन, फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन से सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन और वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे आने को हम एक वाइब्रेशन बोलते हैं। तो इस एक वाइब्रेशन को पूरा करने में उसको जितना टाइम रिक्वायर होगा, जितना डिस्टेंस टाइम चाहिए होगा यहाँ से यहाँ जाने में और फिर यहाँ से वापस यहाँ आने में, वो जितना टाइम लगाएगा इतना डिस्टेंस कवर करने में, पूरी अपनी एक वाइब्रेशन करने में वो जितना टाइम लगाएगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, अब आपके सामने जो तस्वीर है उसमें मैंने, आप फर्ज करें कि ये जो बॉल है जो कभी रेस्ट पोजीशन पे थी, जो उसकी रेस्ट पोजीशन दिखाई है, उसे पकड़ कर मैंने इसको नीचे खींचा है, लेकिन इस बॉल के साथ मैंने एक पेंसिल अटैच कर दिया है और उस पेंसिल के नीचे मैंने रख दिया कागज़। जैसे जैसे बॉल ऊपर नीचे मूव करती है, वैसे वैसे मैं पेज के ऊपर ड्रॉ करती जाती हूँ कि उसकी मूवमेंट किस तरह की दिखाई देती है। तो आपके पास जो ग्राफ बनता है वो किस इस किस्म का, कोई साइनोसाइडल किस्म का बनता है। बहरहाल इसमें आपको इसकी टू एक्सट्रीम पोजीशंस आपको दिखाई गई हैं, एक एक्सट्रीम पोजीशन है ए वन और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है ए नेगेटिव। ए वन और ए नेगेटिव, आप इसकी मूवमेंट को देखें तो ये ए नेगेटिव से स्टार्ट होती है और पहले ये जाता है ए पॉजिटिव की तरफ और वापस ए नेगेटिव की तरफ आता है। मैंने आपसे कहा था कि वो टाइम जो उसको अपनी एक वाइब्रेशन को पूरा करने में लगता है, उस टाइम को हम बोलेंगे वो उसका डिस्टेंस टाइम है, यानी उसका वो टाइम पीरियड है जिसको हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया था, टाइम पीरियड। अभी आप मेरी स्क्रीन पे दो फार्मूलाज देख रहे हैं, एक फार्मूला ऊपर मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी और दूसरी टाइम पीरियड, जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को दो आपस में कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन इसका स्लाइट सा डिफरेंस है इसके दरमियान। फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर टाइम, यानी एक सेकंड के अंदर वो कितनी वाइब्रेशन कर लेते हैं, जबकि टाइम पीरियड ये था कि टाइम पीरियड हमारे पास क्या था कि उसको एक वाइब्रेशन करने में कितना टाइम लगता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा सही से इसकी समझ आएगी। अभी मैंने हाईलाइट किया है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस किसको शो कर रहा है, टाइम को, टी टाइम को, सेकंड्स के अंदर ये शो कर रहा है, और ऊपर आपको एक इसकी साइनोसाइडल ग्राफ नज़र आ रहा है जिसमें इसकी मैथ की मोशन के साथ साथ बनाया जा रहा है कि किस तरह से क्या पैटर्न बनता है इसका पेज के ऊपर, कौन सा साइनोसाइड। ये 8 सेकंड से शुरू होती है, 4 सेकंड तक जाती है, वापस 8 सेकंड पर आती है, तो 8 से 4, 4 से वापस 8 तक आने में उसको टोटल कितना टाइम लगता होगा, 8 सेकंड हम कह लें, 8 सेकंड्स उसको लगते हैं 4 जाने में वापस और 4 फिर वापस आने में, उसको 8 सेकंड्स लगते हैं। ये 8 सेकंड क्या है, इसका ये टाइम पीरियड टी है। जबकि अब अगर हम फ्रीक्वेंसी इसकी मेजर करना चाहें कितनी है, इस पर हमने टाइम को नहीं देखना, हमने टाइम को 1 सेकंड फिक्स कर लेना है। ये यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन पर टाइम आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें आपने किसी भी 1 सेकंड के साथ उसकी मोशन को मिलाकर देख लेना है। ये मेरे पास 1 सेकंड में यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रही है, आप इसको नोट कर लें। ये 1 सेकंड होता है, तो जब वो आती है ऊपर से यहाँ तक, ये देखिए 1 सेकंड, वो टाइम बाद में चेंज हो जाता है। इस इतना टाइम में कितनी है, पूरी वाइब्रेशन तो है नहीं है, पूरी वाइब्रेशन तो हमारी बनती, पूरी वाइब्रेशन तो हमारी कहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक बननी थी, लेकिन ये दरमियान में ही हो जाती है। इसका मतलब है कि हाफ वाइब्रेशन देती है, 1/2, या मैं इसको कहता हूँ, अगर मैं इसको 0.5 हर्ट्स लिखूँ तो ये गलत नहीं होगा। 0.5 हर्ट्स क्या है, 0.5 हर्ट्स इसकी फ्रीक्वेंसी है। टाइम पीरियड क्या था, 8 सेकंड, फ्रीक्वेंसी क्या है, 0.5 हर्ट्स।